नगर पंचायत पुरोला के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के अनुरूप कराए जा रहे विकास कार्यों पर रोक लगने के समाचार से पुरोला में पनपते आक्रोश को देखते हुए बीजेपी का सोशल मीडिया सक्रिय हो गया है। आइए सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रेस नोट पर नजर डालते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पुरोला नगर पंचायत प्रकरण में गलत प्रकार से खबरों को चलाकर भारतीय जनता पार्टी एवं पार्टी के स्थानीय नेताओं की छवि को जानबूझकर खराब करने का प्रयास कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, जिसमें यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा नेताओं द्वारा पुरोला नगर के कुछ विकास कार्य रुकाए गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुरोला नगर पंचायत के 4 सभासदों ने शपथ पत्र देकर नगर पंचायत पर घपले घोटाले और भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री जी, जिला प्रभारी मंत्री जी को विगत एक वर्ष से अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए एवं विगत 2 माह पूर्व उन्होंने 3 सभासदों ने विभिन्न विद्यों पर जाँच न होने पर अपने पदों से त्याग पत्र लिख दिया था। इन्हीं 3 सभासदों ने मान्य मुख्यमंत्री से मिलकर घोषणाओं के नाम पर उगाही एवं दलाली के गंभीर आरोप एवं कुछ ऑडियो मुख्यमंत्री को सौंपा। कुछ दिन पूर्व 7 में से 6 सभासदों ने भी यही आरोप लगाते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया था। लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत सभी योजनाओं में धनराशि जारी करी है जो नगर पंचायत को प्राप्त हो गई है और जिला अधिकारी से जांच मांगी है। शेष 16 कार्यों को जांच गतिमान रहने तक विलोपित किया गया है। जांच पूर्ण होने के बाद उन सभी कार्यों पर निर्णय किया जाएगा जो जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। किंतु यह मामला भी संज्ञान में आ रहा है कि नगर पंचायत ने करोड़ों करोड़ के टेंडर और अनुबंध बिना किसी स्वीकृति के कर दिए, फिर सरकार को बदनाम करने के लिए संबंधित ठेकेदारों के साथ धरना प्रदर्शन करने का ड्रामा करना चाहते हैं। हम इस पर जरूर जाँच की मांग करते हैं कि ठेकेदारों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी क्यों की गई। यह संपूर्ण लड़ाई नगर पंचायत बोर्ड की है, जहां पर संभवतः विगत 2 वर्षों से आपसी विवाद के कारण बोर्ड बैठक तक नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के नारे के साथ निरंतर भ्रष्टाचार मुक्त विकास को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। नगर एवं क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य आवश्यक है उन्हें हम निश्चित रूप से स्वीकृत कर धरातल पर उतारने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, किंतु भ्रष्टाचार, धन उगाही और कमीशनखोरी जैसे आरोपों पर जरूर जांच और रोक लगाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकास हमारा मूल मंत्र है। विजयपाल मखलोगा, जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा उत्तरकाशी। कि इस बहती गंगा में कौन सही व कौन गलत है यह कह पाना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इससे होने वाले नुकसान में सिर्फ गरीब जनता है, क्योंकि एक वही है जिन्हें इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आज की खबर स्टोरी पर अपने विचार अवश्य रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। पुनः आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।